हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सैल विद लेट्स टॉक विद सैल मरियम। हम एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश होने वाले हैं और बहुत जल्द हमें मरियम भी ज्वाइन करने वाली हैं। आज हम देखते हैं कि किस बारे में बात करते हैं और हमें कौन गेस्ट ज्वाइन करता है। इस वक्त हम सब घरों में बंद हैं, अपने आप को सबने जो है वो सोशली डिस्कनेक्ट किया हुआ है, अपने घर के बाहर नहीं जा रहे हैं अननेसेसरीली। और मरियम ने हमें ज्वाइन कर लिया। मरियम, कैन यू हियर मी नाउ? हाय ओके, गुड, वी आर गुड नाउ। तो डू यू वांट टू से हाय टू आवर व्यूअर्स? एवरीवन, सो मी एंड सेल आर हियर। तो आज आप अगर हमें देख रहे हैं, हमसे बातचीत करें और हमें ज्वाइन करें। बिल्कुल, और साथ में शेयर करें अगर आपको, ताकि और लोग आपके साथ, हमारे साथ इस उसमें प्रोग्राम में, इस एपिसोड में हमें ज्वाइन कर सकें। तो आज हम मरियम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर। वो ये है कि चूंकि सब लोग सेल्फ आइसोलेशन में इस वक्त हैं, मौजूद हैं, और काफ़ी दिन हो गए हैं। अब बहुत से लोग 21 दिन से ज़्यादा जो है वो अपने आइसोलेशन में रहे हुए हैं। तो इस वक्त जो पॉसिबल चीज़ें लोग कर सकते थे वो सब उन्होंने ट्राई कर ली हैं, और अब अक्सर बिल्कुल। लोग इस बात से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि हम क्या करें नेक्स्ट। तो आज का जो प्रोग्राम है, आज की जो एपिसोड है, वो हम लोग, जैसे हमने डिसाइड किया था, आज हम ये बात करेंगे कि आप जब घर में हैं 24/7, तो आप क्या चीजें कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को प्रोडक्टिव बना लें और अपनी लाइफ को थोड़ा सा ज्यादा ईज करके और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना लें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, हम बिल्कुल बिल्कुल शेयर करेंगे हम सब आपस में कि हमने कौन से प्रीवियस, हाँ वेज है जिसमें टाइम अच्छा गुजर। बिल्कुल, प्रीवियस एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि मैं क्या करता हूँ और आप क्या करती हैं। तो आज हम लोगों को ये बताते हैं कि क्या पॉसिबिली किया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल। मोस्टली लोग जो है वो बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं मरियम? बिल्कुल, मूवीज देख रहे हैं, बाकी कुकिंग चल रही है। सबसे ज्यादा जो इस टाइम सब कर रहे हैं ना, वो सिर्फ खा पी रहे हैं। वेट बढ़ाने में लगे हुए सारे हैं। बिल्कुल। सही है। तो सर, आप बताएं आज आपने क्या किया सारा दिन? आज मैंने क्या किया, मैं बिल्कुल बताता हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। मैं सुबह से कुछ सोशल नेटवर्क्स के ऊपर मैं कुछ काम करता रहा था, और उस पे, हाँ, उस पे चल रहा था। फिर कुछ थोड़ा सा हमारा जो अभी का जो एपिसोड है इसके लिए थोड़ा सा प्रेपरेशन किया, और उसके बाद और क्या किया, और बस थोड़ी सी कुकिंग की और खाना खाया। तो तो वॉक कर रहे हैं आप आजकल? मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक तो गया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं बाहर जाऊंगा तो मैं शायद वापस आके फिर मेरी हिम्मत ना हो ये लाइव जाने के लिए। लेकिन हम अपने व्यूवर्स को, बहुत से लोग हैं जो हमें रेगुलरली देखने लगे हैं, तो मैं उनको मायूस नहीं करना चाहता था, और इसलिए ज़रूरी है कि हम रेगुलरली उनके साथ बात करते रहें, क्योंकि बहुत से लोगों के सही। लिए जो घर में बैठे हुए हैं ये एक इंटरेस्टिंग थोड़ा सा उनके लिए टाइम बन जाता है जब हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, कुछ डिफरेंट बातें करते हैं। तो मरियम, बिल्कुल। आपने सुबह से क्या किया है आज? सुबह से सर, मैंने भी कुछ इतना खास नहीं, अभी मैं बाहर आई हूँ, मतलब गाड़ी में बैठी हूँ। वैसे मैं ये नहीं कि मैं घूम रही हूँ, मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे कि हाँ जब मैं लाइव आती हूँ तो मैं यूजुअली बाहर होती हूँ। तो मैं ज्यादातर, मेरी कोशिश होती है कि मैं जरा गाड़ी में बैठ के, तो मैं आप सबसे जरा प्राइवेसी में सुकून से बातचीत कर लूँ और सेल को प्रॉपर सुन लूँ, क्योंकि घर में आपको पता है कि सब, अभी पूरी बच्चे, फैमिली घर पे है, बच्चे हैं, हाँ तो टीवी वगैरह तो थोड़ा सा वो हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर, बट प्लीज डोंट थिंक कि मैं बाहर घूमती रहती हूँ। तो बस अभी आजकल तो आप मरियम, लोगों को मरियम, आपकी आपकी इस कुर्बानी को सालों याद रखा जाएगा। ये जो आपने COVID-19 के दिनों में लोगों के लिए कुर्बानी दी है कि घर छोड़ के, गाड़ी घर का तहफ्फुज़ छोड़ के आप आके गाड़ी में बैठेंगे, बट इट्स में। गुड, लाइक राइट। इस वक्त अच्छा, मेरे ख्याल में बाहर मौसम तो थोड़ा क्लाउडी हो गया है, वरना पहले काफी ब्राइट एंड सनी था सनी था और यार। अच्छा मौसम था। इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव सम यू नो फ्रेश एयर, और थोड़ी सी वॉकशॉप भी कर ले। मेरा इरादा ये है कि इसके बाद मैं वॉक करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा मरियम, आप मुझे बता रही थी कि सुबह से आपने और क्या किया है? सुबह से बस फिर मैंने कुकिंग की और बस वही खाने पे जोर फुल टाइम चल रहा है। अच्छा, आपने कोई स्पेशल चीज आज बनाई है या रेगुलर? नहीं, आज मैंने हलीम बनाई है, दैट्स वेरी स्पेशल। या सही है। एंड थोड़ा सा, होममेड एक दाल। एक एक प्लेट हलीम आपने मुझे ईमेल करना है। ठीक है, जरूर। ठीक है, जबरदस्त बिल्कुल। है, जबरदस्त है। अच्छा, आज ये बताइए कि हमारा सरप्राइज गेस्ट कौन है, आज जी, हमें कौन आज ज्वाइन कर रहा है? हमारे सरप्राइज गेस्ट जीटीए की
ब्यूटी क्वीन और मेरी फेवरेट, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड नीमा सईद हमें इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगी। अच्छा, तो शुड आई कॉल हर फर्स्ट और उनको मैं इनवाइट कर दूं? आई थिंक यू शुड कॉल हर फर्स्ट, क्योंकि ओके उनको थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, बिकॉज इट्स द वेरी फर्स्ट टाइम कि इन न्यू सेटिंग्स के साथ शी विल कम ऑनलाइन। बिल्कुल सही है. एंड जस्ट टू लेट एवरीबॉडी नो दैट शी इज वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स. और तो हम उनको आज हमने कहा कि चलो भाई गेस्ट बन जाओ, क्या याद करेंगी वो. बिल्कुल। ठीक है, तो मरियम आप जरा ये, आपने अभी कोई रिसेंटली कोई मूवी कोई टीवी शो कुछ देखा है आपने? कौन नहीं सेल, आजकल मैं हम टीवी के ड्रामा देख रही हूँ, सा देख वैसे रही तो हैं? कोई मूवी जरा नहीं देखी। कोई बात नहीं, एक वो चटा वो, क्योंकि मेरी मदर देख रही होती है तो उनके साथ साथ मैं भी देख रही हूँ, या और इस अल्लाह. तरह अच्छा, उसके से अलावा कोई आजकल बहुत सारे फेमस ड्रामे हैं, मैं नाम लेता हूँ शायद आपको पता हो. उसमें क्या था वो, एम, हाँ जो मैं नाम भूल गया, एम मेरे दिल, जिसमें सजल और आहत हैं. नहीं वो अगर मैं किसी को नहीं याद आ रहा है देखी। तो कमेंट में बताएं वो हमें कि वो कौन सा ड्रामा है जिसमें बिल्कुल सजल और बिल्कुल, आहत हैं. अच्छा, उसके अलावा एक आ रहा है सदके तुम्हारे, देखा है वो? सबके तुम्हारे देखा। बिल्कुल तो आप जो है थोड़ा सदके तुम्हारे के बारे में अपने कमेंट से हमारे ऑडियंस को और हमारे व्यूअर्स को आगाह करें, जब तक मैं नीमा से जरूर पूछता हूँ जरूर कि वो जरूर चीज़ आपकी. ओके okay? ज्वाइन। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप देख रहे हैं आजकल प्यार के सबके जो ड्रामा चल रहा है, आई एम नॉट श्योर कि सैल ने भी वो देखा है या नहीं देखा, तो वो बहुत ही फनी है। गिल्टी उसमें उसमें आई रियली लाइक द एक्टिंग, गर्ल की भी और बॉय की भी, बिल्कुल फेक नहीं करे, बहुत अच्छा जा रहा है वो ड्रामा। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज डेफिनेटली वॉच दैट। और आई थिंक ये जो मैं सौतेली ममता ड्रामा कह रही, सिर्फ इसलिए मुझे थोड़ा स्टार. बेटर लगता है क्योंकि ये एवरी डे आता है, तो रोजाना कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। तो अगर आप जी, रोजाना अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कुछ फॉलो कर ली मम, अदरवाइज आप सबको पता बहुत मैं जा रहे आपको हैं, इनवाइट, अच्छा सुन लें एक तो सेकेंड, मैं मस्ट आपको वॉच। इनवाइट सेंड करूंगा जो एनजीए का टीम ग्रुप है. सेल ठीक है, इज टॉकिंग टू नीमा सईद, ही इज ट्राइंग हर तो टू फिर वो आपको ज्वाइन, उसमें तो ऐड करके वो आज आपको वो इंशाल्लाह बताएगा कि हमें आपने ज्वाइन नेक्स्ट करेंगी। स्टेप करना है, आप ज्वाइन करेंगी फिर हमें. ठीक है, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक. तो तो मैं अभी प्लीज जरूर देखते कर देख रहा रहिएगा हूँ, व्हाट्सएप लाइव। आई थिंक थोड़ी सी ग्रुप में भेज डिस्टर्बेंस रहा हुई है हूँ. क्योंकि ठीक है, सैल भी बोल रहा है और मैं भी बोल ओके, रही बाय हूँ, बाय. तो ऑल राइट, सो मरियम, या आपने क्या बताया सौतेली ममता के बारे में? मैं ये बोल रही थी कि वो एवरी डे आता है, तो मुझे उसकी सिर्फ एक ये चीज अच्छी लगती है, अदरवाइज वेट करना पड़ता है कि कौन सी एपिसोड किस दिन आ रही है। तो रोजाना कुछ ना कुछ देखने के लिए अगर कोई ढूंढ रहा है तो वो ड्रामा शुरू कर लें। उसके बिल्कुल, अलावा प्यार के सबके भी अच्छा जा रहा है वो बता रही थी, प्यार के तो सदके मेरे ख्याल में काफी अच्छा ड्रामा है. अच्छा जा रहा है। हाँ, उसकी जो ओवरऑल उसमें जो जिस तरह से वो कहानी उन्होंने बनाई है और कैरेक्टर्स बेस्ड है बेसिकली ड्रामा, आप बिल्कुल सही आपने कहा था कि, और अच्छी बात यह है कि उसमें मेन कैरेक्टर के साथ साथ जो साइड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, और ओवर और एक्टिंग कोई नहीं नहीं कर रहा, कोई भी नहीं अदरवाइज कर रहा है. हाँ ड्रामा बिल्कुल खराब हो जाता अगर कोई भी थोड़ी सी ओवर एक्टिंग, स्पेशली जो मेन रोल्स हैं वो कर लेते या रहे। मुझे सबसे बट ज्यादा जो गुड, इम्प्रेस किया है वो मुझे उस लड़की का नाम नहीं पता ना, उससे ज्यादा जो बंदा जो बना हुआ है ना, हाँ वो बिलाल भी नाम अच्छा, उसका, बिलाल, बिलाल ग्रामीण बिलाल है कि की, बिलाल है, हाँ आई डोंट बिलाल नो की, यार, बिलाल की रेंज बहुत अनबिलीवेबल है, क्योंकि बहुत वो बहुत। चीख में जिस तरह का रूड और विलनस बना हुआ था उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये ड्रामा, और कहीं पर भी आपको लगता नहीं कि वो कोई एफर्ट आपको दिख रही है उसके अंदर, तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा एफर्टलेस वो एक्शन। एफर्टलेस एक्टिंग कर रहे अच्छा हैं. वो ड्रामा आपने देखा था जिसमें भोला था? अच्छा नहीं, वो मेरे टाइप का नहीं था, तो मुझे बिल्कुल, मैंने देख ही चुका उसको. भोला, नहीं भोला ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। क्या नाम है उसका, इमरान, रियल नेम इज इमरान राइट? इमरान, इमरान, या अमेजिंग एक्टर। और अब ये गर्ल और ये बॉय जो है ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सो दोनों व्हाट बहुत वाज अच्छा कर नीमा रहे सेइंग सेल, व्हेन इज शी जॉइनिंग अस? हैं राइट नाउ. ओके ऑसम, सो यू आर सेंडिंग हर द लिंक? ऑफ कोर्स, गुड, सो नीमा विल बी हियर सून। या मरियम, आप थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं एवरी टाइम आई लुक एट माय फोन, क्यों, ऐसा क्यों है? नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम आप बात कर सही है. रहे हैं ना नीमा से, तो वो मैं भी बात कर रही हूँ, तो आई थिंक वो थोड़ी सी मेरा ख्याल है व्यूअर्स को थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही होगी कि सैल की सुने, क्योंकि जब फोन पे प्राइवेट बात हो रही है उसकी तरफ ध्यान जाता जाता है। नहीं सर,
नहीं, हाँ नहीं, वो खवातीन का ज्यादा जाता है कि दूसरा क्या बात कर रहे हैं, आमतौर पर लोगों का नहीं जाता है। तो अब समझ बिल्कुल में आ गया मुझे क्यों डिस्ट्रैक्ट होती हो। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, उसके अलावा हम बात कर रहे थे कि जब आप इतने अरसे से आप जो है अपने घर में बंद हैं, तो उस सूरत में आपके पास और क्या मजीद एक्टिविटीज हो सकती हैं? तो किसी ने मुझे बताया था कि वो आजकल उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए हैं। हाँ, प्लांट्स तो बहुत लगा रहे सीड्स हैं लोग। सीड्स ला के लगाए हुए थे उन्होंने, तो उन्होंने कहा अभी भी अच्छा मौसम हो गया है, अब इतनी स्नो ऐसे कोई सीन तो है नहीं, तो उन्होंने प्लांटेशन करना शुरू कर दिया है, गार्डनिंग कर रहे हैं। उसके साथ दिलचस्प। साथ जी बहुत सारे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ जिस तरह इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते थे, तो इस वक्त वो हाँ, कंप्लीट फोकस के साथ जो है वो इंस्ट्रूमेंट सर सीख रहे हैं टाइम बहुत मिल गया ना। सारे। पहले प्रॉब्लम ये थी कि टाइम नहीं था, दिल था सबका, पर टाइम नहीं था। अभी ये कि टाइम मिल गया है तो घर पे बिल्कुल बैठ के सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए या क्या सीखना चाह रहे थे, क्या कर सकते हैं। एब्सोल्युटली वो चीजें आई थिंक अब हो रही हैं जो पहले नहीं हो सकती थी, चाह कर भी नहीं हो बिल्कुल सकती थी। बिल्कुल तो एब्सोल्युटली एक तरफ से देखा जाए तो थोड़ा सा, अगर इसको पॉजिटिव वे में सब सोचें तो ये बुरा भी नहीं है, अच्छा है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया। क्योंकि ये मुझे लग रहा है जिस कि तरह ये, से हाँ बोले सॉरी। वर्ल्ड में इस टाइम वो कुछ हो रहा है जो हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था दूर दूर तक कि सब कुछ इस तरह बंद हो जाएगा। तो अभी बस सोचें इस टाइम को, मेरा ख्याल है कि जितना कर सकते हैं ना इसमें कुछ तो करें। परेशानी एक साइड पर है, वो तो है ही बहुत बड़ी, बट थोड़ा सा इधर भी ध्यान दें, कुछ मेरा कर ख्याल है लें। कि ये एक अच्छा मौका है कि डिटॉक्स किया जाए, आप अपने आप को भी हाँ करें और इस वक्त जो प्लेनेट अर्थ है उसको भी थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, क्योंकि सारी फैक्ट्रीज और सारे ट्रैवलिंग और सारा धुआं और सारा स्मोक जो है वो इस वक्त कम हुआ हुआ है, तो प्लेनेट को भी लगता है कि थोड़ा सा हील अप होने का मौका मिल रहा है इस वक्त। और अच्छा, तो उसके अलावा आपको क्या 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 ख्याल है, आप क्या सजेस्ट करेंगी हमारे व्यूअर्स को कि और क्या काम किया जा सकता है व्हाइल वी आर एट इट, घर में बैठे हुए हैं? बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर पे, हर कोई अपना काम कर रहा है, हमारा काम इस टाइम सिर्फ ये है कि हम लोग घर पे रहें और जरा दूसरे भी एक दूसरे से ये चीजें कैच ना करें। और जिस तरह से मेयर बॉनी क्रॉम्बी और बाकी सब हम लोगों को बार बार फोर्स करें कि प्लीज स्टे एट होम और रश वाली जगहों पे ना जाएं, क्योंकि आई थिंक सेल, अभी मैं बात करते करते मेरे माइंड में आया कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, कोरोना वायरस पे मुझे बात नहीं करनी। तो इतना ज्यादा ये हर जगह पर हो गया ना कि मैं चाहती हूँ कि अब हमारे जो देखने वाले हैं वो भी हमारे साथ मिलके एंजॉय करें दूसरी चीजों को, और इस नेगेटिविटी को, मेरा 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 नेगेटिव ख्याल, जितनी टेंशन है इसको थोड़ा सा कम करें ना, थोड़ा रिलैक्स एनवायरनमेंट करें। आई टोटली अग्री विद यू। मेरा ख्याल है कि अच्छा आइडिया ये रहेगा एक कि हम डिफरेंट टाइप की जिस तरह की एंटरटेनमेंट के हवाले से हम लोगों को थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं कि जो है, हेलो नीमा, हेलो, हू अस्सलामु इज हियर, अलैकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप हेलो, लोग? वालेकुम सलाम, यू आई आर एम लुकिंग डूइंग रविशिंग, आप बहुत अच्छी लग रही हैं नीमा, ऑलवेज। ब्यूटीफुल ओह, थैंक यू लाइक थैंक यू ऑलवेज। या थैंक यू थैंक और सो नीमा मच। की खास बात यह है कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, है आई नो ना? राइट? नो, बिकॉज इट्स अ नेचुरल और ब्यूटी ना, सो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग। हाँ, त्या त्या कौन होता है सर? आई मैं नो, थोड़ी यू वेक अप होती हूँ। लाइक दिस, लड़कियां कब बिल्कुल तैयार, वेक अप लाइक दिस, राइट? लड़कियां जो है ना, लेडीज जो है ना, वो तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती हैं। नहीं लगाती हैं, ये तो हाँ सही कहा सच इसने, है, ये तो बिल्कुल बहुत सही बहुत कहा। बड़ा सच है, और वो सच हम दोनों के बिल्कुल बीच में है स्क्रीन पे इस वक्त। या यू राइट एक्चुअली। हाँ, और मरियम, हाउ आर यू, कैसी आप? आई एम गुड, आप बताएं कैसी हैं? परफेक्ट, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। हाउ अबाउट यू गाइस, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम हम लोग लोग जो बस है सोच रहे थे कहाँ अपने चले। व्यूवर्स को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओ या, बिकॉज दिस ट्रू, एवरीबॉडी एट होम, और कितना बोरिंग हो गया, राइट? यू नो, या तो कुछ तो ना नीमा, कुछ ऐसा। आज का हमारा जो टॉपिक है इस एपिसोड का वो ये है कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप जिन लोगों को अभी 3 हफ्ते हो चुके हैं, 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो अब वो अपने ऑप्शंस, दे आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस कि क्या किया जाए इतने सारे वक्त के अंदर। तो हमने उनको कुछ आइडियाज दिए, हमने कहा कि कुछ तो आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं, आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख सकते हैं, यूट्यूब से हेल्प लें, लोगों को कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग मौजूद है तो ये चीजें कर सकते हैं, आप कोई नया ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन मौजूद है बेतहाशा बेशुमार। तो आपको क्या लगता है कि आप किस किस्म के चीजें आप आजकल क्या कर रही हैं पिछले 3 हफ्ते से? एक्चुअली मैंने जो अभी नया स्टार्ट किया है, वो पहले मैं गेम इतना प्ले नहीं करती थी, अच्छा
फोन पे ना। तो तो ये गेम कौन सा वाला, ये वाला गेम है गेम वाला एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग गेम है। और एक मेरी फ्रेंड ने क्या? मुझे उसको कल ही मुझे एक्चुअली उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसका नाम था, ओ माय गॉड आई फॉरगॉट द नेम, मैं आपको जरूर मेंशन करूंगी। उसका नाम था वर्ड्स वर्ड्स पजल को कुछ गेम है, जिसमें आप जो ना अपनी वैक्यूबलरी को बहुत स्पेशली यू नो आप आइसोलेटेड हैं तो आप मेंटली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वो बहुत एक्टिव रहता है। स्क्रैबल की बात करेंगे? स्क्रैबल स्क्रैबल काइंड ऑफ अ स्क्रैबल काइंड हाँ ऑफ अ स्क्रैबल एंड इज वेरी इंटरेस्टिंग। और आप जो है बहुत एक्टिव करते हैं अपने आपके माइंड को, और स्पेशली यू नो राइट नाउ एटली मेंटली मेंटली हेल्थ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सही है घर में रह रहे के आप बहुत ज्यादा बिल्कुल एक्टिव नहीं होता आपका माइंड। हाँ तो मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा लगा कल, मैंने इसको प्ले किया और मैं ऑलरेडी जो है वो 9th level पे पहुंच गई हूँ। सो लेट्स वाओ, हाँ तो ये मुझे बहुत ऑनलाइन है या इसका बोर्ड गेम है? ऑनलाइन है, ना ऑनलाइन ऐप है, अच्छा ऐप है, ओके ओके ऐप है वो, और बट इट्स फ्री ऐप है, नो कॉस्ट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और उससे ये कि आपकी जो है वैक्यूबुलरी भी जो है ना आपकी वो आपको मतलब ऐड होती है, आप सही अच्छा है। लगता है आपको अगर अगर बिल्कुल। आपको याद आए तो हमें बताइएगा, तो इसको हम ऐड मैं कर देंगे बताऊंगी अपने और मैं कमेंट मेंशन भी सेक्शन में। करूंगी बिल्कुल। अच्छा जबरदस्त। मेरा एक क्वेश्चन नीमा से है। नीमा जिस तरह आप पहले भी जॉब नहीं कर रही थी राइट, तो अब पहले भी घर पर थी और अभी कुछ जो गलती कि कराती है, सब्जेक्ट नहीं लिया तो निकम्मी है कोरोना बिल्कुल, आप वायरस की वो ये वजह कहना से चाहती नहीं नहीं हाँ इट्स ट्रू, एटली मुझे इतना डिफरेंट नहीं लगा, हैं। थोड़ा बहुत जरूर लगा है क्योंकि घर पे रह गए ना अब तो। मतलब पहले मैं थोड़ा बाहर चली जाती थी राइट, ये सही चलो शॉपिंग के लिए चले गए या राइट फ्रेंड के साथ कॉफी डेट हो गई या इस तरह कुछ ना कुछ, बिल्कुल तो अब प्रॉब्लम ये हो गया कि आप घर पे ही हो तो ये बहुत ज्यादा आई बोरिंग हो गया है। अच्छे और अच्छा क्या या हुआ इस आपके ख्याल में, क्या क्या सॉरी अच्छा व्हाट, अच्छा क्या गुड हुआ? थिंग क्या हुआ? अच्छा गुड थिंग ये हुई है कि पहले ना आप घर पे रह के भी ना आपको थोड़ा सा माइंड आपका ऑलवेज यू नो वांट टू डू समथिंग कि बाहर चले जाओ या कुछ ये करना है या ये करना है ना। अब मुझे लगता है एवरीबॉडी वेरी काम हो गए हम लोग है अच्छा ना, मेंटली चलिए भी और फिजिकली भी बहुत काम है, नो रशिंग अच्छी रश बात नहीं है। हो देखो रहा है। हाँ तो मुझे ना मैं, वी ऑल नीड टू बी लाइक हर, और काम होना इस वक्त जरूरी है, फ्रीक आउट होना इस वक्त बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, ना सजेस्ट बिल्कुल कर नहीं सकते है हैं, आप प्लीज भी नॉट एट ऑल, हाँ एंड देर इज नथिंग कंटिन्यू टू यू नो फ्रीक आउट, बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है विच विल पास, ये टाइम भी गुजर इंशाल्लाह जाएगा फॉर श्योर इंशाल्लाह। यस। और अच्छा नीमा ये बताइए कि आप आजकल अपना टाइम कैसे कर रही हैं, आप गेम खेलने के अलावा और क्या करेंगे, वर्ड नहीं एक्चुअली मैं गेम मेरा खेलती हैं थोड़ा उसके अलावा? हाँ नहीं मेरा थोड़ा स्केड्यूल है कि मैं यू नो उठने के क्या बाद बात है, फिर थोड़ा जो है मेरी एक्टिविटी होती है कि मुझे सा एक्सरसाइज बताइए ताकि थोड़ा हमारे सा ना। ऑडियंस भी अच्छा देख मुझे सके। लगता है कि आप थोड़ा सा अपना स्केड्यूल बना लें, घर पे भी रहते हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर आप स्केड्यूल से फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं मेरा स्केड्यूल ये कि मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ घर पे या बाहर चली जाती हूँ, फिर डिनर सुबह ब्रेकफास्ट देन लंच, साथ में कुछ एक्टिविटी होती है मेरी जिसमें यू नो गेम हो गया या फिर मैं नेटफ्लिक्स यू नो जिंदाबाद क्या करती हूँ, नेटफ्लिक्स? ऑल टाइम यार नेटफ्लिक्स जिंदाबाद आजकल अच्छा बेस्ट मुझे है ये तुम्हारे बताइए कि लिए मेरे नेटफ्लिक्स लाइफ पे में। आपने टाइगर किंग देखी है अभी तक? दिस टाइगर किंग एक्चुअली मैंने उसका सिर्फ इज द ट्रेलर देखा हॉटेस्ट है डॉक्यूमेंट्री राइट नाउ। रियली। हाँ ओके हाँ आई विल वॉच इट फॉर यू श्योर, मैं मस्ट, वॉच करूंगी। हाँ क्योंकि मैं टाइगर्स मेरे मुझे बेतहाशा पसंद है, आई एम ऑब्सेस्ड ओ विद देम, या सो इट्स ऑल अबाउट अच्छा दैट। और इस वक्त बहुत बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है और इस वक्त बहुत पॉपुलर है, एवरीबडी इज वॉचिंग, तो हम रिकमेंड करेंगे अपने ऑडियंस को भी, अगर किसी ने देखी भी है तो वो अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि वो उनको वो फिल्म वो डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी है, बट इट्स रियली रियली गुड। या नो नो आई विल वॉच इट फॉर श्योर, क्योंकि मैं इसका प्रोमो देखा था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, बहुत अच्छा, मैं इसको जरूर बहुत वॉच करूंगी। या सही है, जरूर देखें। ओके निमा तो अब और आपसे एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर अब निमा आप से गेम खेला, गेम क्वेश्चन खेलना नहीं चाहती हैं? नहीं गेम करनी है अभी। नहीं पहले आप सवाल कर लें। निमा मुझे ये बताएं कि आप एक्सरसाइज या वॉक कुछ कर रही हो घर पे? ओ या मैं करती हूँ उसको जरूर, वॉक कर रही होती हूँ, रन अच्छा होता है मेरा, वॉक नाइस होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हूँ थोड़ी बहुत, कुछ ना कुछ नो जरूर करती हूँ, ऐड कर रही होती हूँ। अच्छा वॉक वॉक के लिए बट यू आर गोइंग एवरी डे राइट? हाँ एवरीडे या यस ओके ओके कितनी देर वॉक गुड। करती हैं आप? 30 to 40 minutes ओह दैट्स गुड, हाँ दैट्स तो वो तो गुड। बहुत इम्पोर्टेंट है ना, जरूरी है कि दैट इज आप 1 hour फॉर यू, 30-40 minutes फॉर नीमा एंड आई थिंक 20 minutes फॉर मी। नॉट 1 hour, मैं ज्यादा लंबा जाता हूँ अच्छा हाँ मैं। अच्छा हाँ या वेरी नाइस। नहीं मैं ऐड करना कहाँ चाह से रही हूँ कि थोड़ा बहुत चले और जाते एक्स्ट्रा हो सर? करूँ। मैं कम से कम मेरा ख्याल है कि 1.5 घंटे और चलता हूँ, वॉक करता हूँ। ओ वाओ वॉक करते करते या नचमा के घर तो नहीं पहुंच जाते इसी घर नचमा के
नहीं, अच्छा, बिल्कुल तो और आप बिल्कुल। लोग क्या, और आपकी मरियम, आपकी जो खेत वो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, तो बोल, तो कोई बस बॉदर कर रहे होंगे वो ना, मतलब दे कैन गो टू द आजकल पार्क? बहुत खुश है, उनको है कि ओ मम्मा खुश भी है, है और अच्छा 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 हाँ घर अच्छा पर है ना सभी, तो ओके ओके। वैसे हाँ बाहर जाने की तरफ से तो वो थोड़े से परेशान होते हैं हाँ, क्योंकि बच्चों को बाहर मैं जाना पार्ट होता टाइम है ना, टीचिंग इट कर नो रही हूँ। स्कूल राइट, नो एक्टिविटी, हाँ बच्चों को जो एक्टिविटी खुशी है बेसिकली वो है कि छुट्टियां हो गई हैं, स्कूल नहीं है, लेकिन उसके साथ वो अब घर में बंद रह के भी बहुत सारे बच्चे जो है ना फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं और अपने बड़े पेरेंट्स को भी भी होते हैं, काफी बच्चे तंग कर भी रहे होते हैं। हाँ, हैं। ये तो बच्चों ये क्लासेस भी भी तो होती है ना, जैसे बच्चे एक्टिविटी क्लासेस के लिए जाते हैं, स्विमिंग, सब टाइम स्विमिंग के लिए जा रहे होते हैं, या फिर उनका कोई बिल्कुल। और स्पोर्ट्स अब होता है तो वो प्ले जिस कर रहे होते हैं। समर समर आ गया और स्पेशली समर आ रहा है, यू नो समर में तो exactly. इतने अच्छे समर वेदर में जब में आप अंदर से देखते हैं ना, या आप जब बैकयार्ड वाले में जाके देखते हैं, फिर इतना फील हाँ होता है कि यार ये क्या हो रहा है, तब थोड़ा सा फील हाँ होता है कि हाँ समथिंग इज रॉन्ग, आपके बट इट्स ड्राइवर पे ओके। प्ले कर, आई थिंक आपके ड्राइवर पे तो आप प्ले कर सकते हैं ना, थोड़ा बहुत बाहर वो हाँ कैसे क्या कर हो, सकते हैं? ड्राइवर पे प्ले कर सकते हैं ना बच्चे, राइट, वॉक कर सकते या हैं, बिल्कुल बिल्कुल, डिस्टेंस बस थोड़ा सा डिस्टेंस आपस में रखना है, रखना अदरवाइज है। फिर सेफ। हाँ तो ओके, नेबर से तो कहेंगे कि प्लीज स्टे अवे। ऑलराइट लेडीज, तो हमारे साथ जो है अमन मेहता ने अभी हमें ज्वाइन किया, वो कहते हैं कि गुड वर्क सर, सो थैंक यू सो मच अमन, और थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक फॉर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स, और जबरदस्त है, इस तरह की वॉचिंग जी। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे बच्चों के बारे में, अच्छा किड्स की जो एक्टिविटी है उनके बारे में बात कर रहे थे कि उनको क्या क्या करना चाहिए। तो आई थिंक मैं टिप दूंगी कि आपको ड्राइवर पे वॉक स्टार्ट कीजिए, सम प्ले कीजिए, बच्चों के हाँ साथ मजा बच्चों आ को थोड़ा जाएगा। सा बिल्कुल, हाँ जी नहीं तो घर बिल्कुल पे रह के तो थोड़ा सा यार बड़ों को डिप्रेशन हो जाता है, तो बच्चों बिल्कुल के लिए इट्स यार, वेरी वेरी हाँ हार्ड। बिल्कुल। और बच्चों समर की भी राय आ रहा है, का, समर तो हाँ सब लोग बाहर जाना चाहते हैं, लेट्स समर सी। यार, अच्छा अगर ये विंटर्स में होता ना तो शायद बुरा नहीं लगता, सब कहते हैं यार ठीक है बिल्कुल वो, राइट, लेकिन ये हाँ जो इतने अच्छा वेदर आया, ऊपर से इतनी बड़ी आजमाइश आ गई, इसकी वजह हाँ से ना आई सब थिंक ये थोड़ा बहुत ब्रेक अगर परेशान। अच्छा प्रेशर वे से आता तो एवरीबडी एंजॉय है, लेकिन ये इज वेरी सैड भी है पीपल के लिए जो मतलब अफेक्टेड हो रहे हैं स्पेशली और और गाइस, पर हमें यार हमें एक पर्सनल हमें क्वेश्चन सैड है, सैड बात कोई नहीं करनी है हाँ बिल्कुल मरियम, नहीं करनी नीमा है प्लीज, बिल्कुल, तो या सैड वाली नीमा एक बातें पर्सनल ना क्वेश्चन है कि करें। हाँ हाँ सारी जितनी भी लेडीज हैं अगर मुझे देख रही हैं इस टाइम, सब परेशान है आईब्रोज को लेके, सो व्हाट यू आर डूइंग विद दैट? ये गर्ल्स का मसला है बहुत। ओह माय गॉड, कहाँ चली गई? वो छोड़ के चली गई हमें ओ मरियम, मरियम आई बेचारी थिंक बहुत ज्यादा शॉक हो गई है वो। वो अपने अपने गम पे काबू नहीं पा पाई, और या मैं वो खुद ही निकल के छोड़ के चली गई वो हमें। चली गई मरियम, मरियम आप वापस, आप कहीं एब्रोड आई बनाने के थिंक लिए शी चली नो गई शी इज थी? कमिंग बैक, आर यू बैक? यस, इतना इतना इतनी सीरियस डिप्रेसिंग क्वेश्चन बात तो तो नहीं एकदम थी मरियम मुझे, यार, क्या हो एकदम मैं गया? गायब हो गई यार। हाँ मरियम ऑलरेडी आप इतनी ब्यूटीफुल है, आई डोंट थिंक सो कि यू हैव टू और वरी क्या, अबाउट बस इट। मुंह बोल दिया करें लेकिन काफी है। बट हाँ यार मैं पूछ आई थिंक कुछ, सेकंड, उफ, हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? इंटरनेट का प्रॉब्लम, थोड़ा सा आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रही है। एनीवे सो कीप चलो गोइंग मरियम, आप क्या बता रही थी? आईब्रोज के बारे में बात कर रही थी। अच्छा आईब्रोज के बारे में, अच्छा जस्ट बाय द वैक्स जस्ट डू इट एट होम, या सो इट्स सो इजी राइट? यू आर डूइंग लाइक दैट, ओके ऑफ ठीक कोर्स ऑफ है, कोर्स, कैरी ऑन। सही है। और पता है कितनी गर्ल्स हैं जो अब पता है वो पिक्चर्स वगैरह लगा रही है कि हमारे नील्स इधर इधर तक आ गए हैं, अब क्या करें हम? बाकी मसले अभी एक्चुअली तक नो अभी नो, गर्ल्स के मुझे लिए तो लगता बहुत है, बढ़ गए। मुझे तो लग रहा है कि अब जो है ना आपकी नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो बहुत इनहेंस होगी ना दिस टाइम ऑफ द हाँ अब पता स्टूडियो। चलेगा, अब पता हाँ सबको पता चलेगा, चलेगा। या बिल्कुल, जो हमारी जो फेक कॉस्मेटिक हम लोग करते थे ना, तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा तो नीमा हाँ अभी जिस तरह स्टोर्स वगैरह भी बंद हो गए हैं, तो मैं थोड़ी सी वो हो रही थी कि सबने ग्रोसरी वगैरह तो एडवांस कर ली थी, तो क्या मेकअप वगैरह भी लिया ऑनलाइन था? जिंदाबाद ऑनलाइन जिंदाबाद, ये तो है। यार, ऑनलाइन यार, ये ब्लेसिंग है यहाँ पर रहने के लिए कि आपको हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर करें, नो एग्जैक्टली, प्रॉब्लम राइट? दैट्स ट्रू, अदरवाइज दैट्स ट्रू, सोचो नीमा, सोचो क्या होता। खैर नो इट्स हम दोनों तो ट्रू। करते नहीं है, अब पता है लेकिन आई जो थिंक गर्ल्स मुझे करते लगते, हैं, सॉरी आप कुछ कह रही थी मरियम, सॉरी मैं आपकी बात मैंने कहा काट हम रही। दोनों तो करते नहीं है ना यार, जो गर्ल्स करती हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम होनी। नहीं हाँ मुझे ऐसा लगता है, मुझे आई लाइक ऑनलाइन, एक्चुअली मैं ज्यादा ऑनलाइन ही करती हूँ। हाँ हाँ मुझे इजी दैट्स लगता गुड। है बात।
अच्छा जी, अमन अमन मेहता जो है वो सुजेस्ट करते हैं, वो असल में उन्होंने हिंदी में लिखा है तो मुझे बड़ी देर लग रही है उसे पढ़ने में। उन्होंने लिखा है कि वो ये कह रहे हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, तो आप बच्चों को लूडो खिलाइए और बच्चों को चेस खिलवाइए। ओ तो दैट्स अ वेरी गुड सजेशन, या आई थिंक आई अप्रिशिएट गुड दैट। सजेशन या बिल्कुल हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज के जो गेम्स हैं हाँ, ट्रू और मुझे मुझे लगता है कि लूडो या इज अ रियली गुड गेम, इसलिए क्योंकि वो उसमें कोई आपको मतलब हर बंदा खेल सकता है, उसमें उसमें लर्निंग का भी इतना काउंटिंग है, डिफिकल्ट नहीं है। और उसमें हाँ तो काउंटिंग आती है बच्चों को, काउंटिंग लेकिन सीख सकते हैं यू। हाँ मुझे ऐसा लगता काउंटिंग है जो आती है। हमारा चाइल्डहुड था हाँ ना वो बहुत अच्छा था। अभी बच्चे राइम्स देख रहे हैं, टीवी और ये सब बहुत ज्यादा हो गया, जिस बच्चे हाँ को देख लें सेम रूटीन है। हमारे टाइम पे लूडो और ये सब कुछ था तो बहुत फन था। मोनोपली आई रिमेम्बर, नहीं मुझे लगता है कि हम लोग लोलो, काफी अच्छे थे। मोनोपली एंड स्क्रैबल, ये तो मुझे तीन लगता है कि चीजें हम बेहतरीन लोग है, बेस्ट मोस्ट, है। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल साल आप सही कह रहे हैं। बल्कि मुझे लगता है हम लोग ज्यादा फिजिकली एक्टिविटी बात करते थे और हमारे बच्चे वो ज्यादातर यू नो ऑनलाइन होते हैं या उनका इसलिए फोन कि नहीं हमारे होता पास है, या आईपैड नहीं कोई होता था, हमारे पास आईपैड नहीं इंटरनेट होता नहीं होता था, देयर हमारे। वाज नो मोबाइल, हाँ बिल्कुल। लोग हमें गेस लग अच्छा रहे हैं इतने मेरे पुराने, जमाने हम में इतने तो पुराने नहीं हाँ, हैं, नहीं नहीं आप तो लेकिन फिर पुराने भी मेरे उस जमाने वाले में जमाने के तो हैं जब फोन नहीं, सुना करते थे। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ भाई। नहीं, आप तो परसों ही आई हैं। ठीक है, चल नीमा अपने ओह माय जमाने का गॉड, बताते बताते हमें भी वहीं पे ले गए यार। तभी मैंने पहले बोल दिया ना मेरे जमाने में सब कुछ था। नहीं हम लोग एक्चुअली हमारी मम्मी डैडी अलाउ नहीं करते थे ना कि आपकी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को यूज नहीं करना है, वरना हमारे पास सब कुछ था राइट, अच्छा सब कुछ सब था। कुछ या आप लोग खासे हम लोग एडवांस थे ना, अगर तो हाँ हम लोग एडवांस थे या। तो साल आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या नई एक्टिविटी कुछ आपने स्टार्ट की है? मेरी कोई नई एक्टिविटी नहीं है। मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ कि मैंने कितनी सारी बुक्स निकाल के रखी हैं कि मैंने ये पढ़नी है। ओ अब वाह, जबकि मैं ओ वाह, इसका दिखाता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ पर ये, तो ओ कितनी सारी वाह, बुक्स, सेल तो इनमें से मैंने अभी तक सिर्फ तीन पढ़ी हैं और अभी इससे ज्यादा डबल यहाँ पर साइड में रखा हुआ बैठ के, तो ये मुझे बुक्स सारी खत्म करनी है। उसके वेरी अलावा नाइस। मैंने क्या किया, मैं आई वॉच मूवीज अ लॉट ऑफ मूवीज, तो अच्छा वो उसमें अच्छा टाइम गुजर जाता है। आई थिंक व्यूअर हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनसे ही पूछना चाहिए कि उनकी एक्टिविटी क्या है, अपने हाँ एक्टिविटी एक्टिविटी को क्या है शेयर नहीं, कीजिए। और ये भी हमें, बताइए कि हाँ आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, किस कंट्री से आप देख रहे हैं और आप दैट्स अ गुड एक्टिविटी क्वेश्चन। आई कैसे थिंक अमन मेहता करते जो है वो मेरे ख्याल में इंडिया से हमें हमसे कनेक्टेड है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त नथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन नाउ इन इंडिया टू, तो ओ दैट्स अच्छा। और इंडिया में वियर्ड। लॉकडाउन कब खत्म हो रहा है? कहीं पर भी अभी खत्म कहीं भी होने के नहीं, चांस नो। बल्कि नहीं यहाँ पे है कनाडा में भी अभी, एक्चुअली मैंने न्यूज़ जब वॉच करी थी इन द वो मॉर्निंग एक्सटेंशन है। स्लोली और ज्यादा मतलब मतलब मुझे रिस्ट्रिक्शन लगता है आने कि लगे। बैक टू नॉर्मल आने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर, कोई और बात करते हैं, कोई हाँ अच्छी कुछ बात और बात करते करें यार। नहीं मुझे लगता हैं। है पता है कि मसला आप क्या है, शेयर हम कर रहे लोग यार। या हम लोग नीमा जितना भी कह लेना कि हमने इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, आई थिंक हाँ अभी वो इस टाइम अट्स इतना ट्रू ज्यादा ये या सच वो लगा घूम फिर के आ फिर जाती देखे है। ना हाँ वहीं पर हाँ क्या आ सही जाता है, बात है। हाँ आपके उसमें माइंड में आ ध्यान जाता रखना है है, या। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, बट थैंक दैट्स गॉड यू ट्रू, नो वी आर सेफ और हमारी फैमिली भी सेफ है। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज थैंक यू। गुड। अच्छा मुझे ये बताइए नीमा, कि आपको कुकिंग करने का शौक है? थोड़ा नहीं बहुत आप थोड़ा बहुत है। आप थोड़ा बहुत सबसे अच्छा क्या बनाती हैं फ्राइडे? मैं सबसे अच्छा क्या बनाती हाँ हूँ, उल्लू के अलावा। सबसे अच्छा क्या बनाती है हाँ सोचना जी, पड़ेगा। नीमा फ्राइज फ्राई बहुत अच्छे करती है। फ्रेंच फ्राइज, चाय एक्चुअली अच्छी नहीं बनाती मुझे, हैं? नहीं मेरा प्रॉब्लम पता है क्या होता है, जब मैं कोई डिश बनाती हूँ ना तो नेक्स्ट टाइम वो वैसे ही नहीं बनती, डिफरेंट बन जाती है वो, ऐसा होता है इसलिए मेरे साथ। इसलिए कोई कि बात आप नहीं, जो है वो अच्छी चीज मेजर है में कि इतनी आपने, फॉलो करती होंगी। दैट्स नो मैं फेंडरमेंट नहीं फॉलो करती, नो 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 व्हाई, ये वजह है, पर या दैट्स मैं ओके। कभी, लेकिन हाँ आपको हुआ कि लोगों ने नहीं कभी सचमुच दिल से तारीफ की हो कि ये चीज बहुत अच्छी बनाई नहीं आपने? हाँ सब लोग मेरे भाई वगैरह यही कहते हैं कि तुमने जो अभी बनाया है, लेकिन मेरे हस्बैंड भी कहते हैं अच्छा नहीं मैं तुमने जो बनाया है मैं खा रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो नेक्स्ट टाइम आपकी डिश वो ही नहीं ये बनेगी, नहीं वो मिलेगा, डिफरेंट हो ये वन टाइम है, जाएगी वन रेसिपी टाइम चेंज हो ऑफर जाएगी। है। हाँ मेरी बेटी भी यही कहती है, मम्मी प्लीज आप सेम डिश बनाए, मुझे बेटा मैं नहीं बना सकती, पता नहीं बनता नहीं है मुझसे, मुश्किल बात है बहुत। आप में देखिए जो है मैं ना बहुत क्विक वैरायटी कुकिंग करती बहुत हूँ, है। हाँ तो आप, हाँ मैं बहुत क्विक कुकिंग करती हूँ, लेकिन नॉट लाइक इंडियन टाइप जो बहुत कॉम्प्लेक्स कुकिंग होती है वो नहीं करती मैं। अच्छा, जैसे कि क्या क्विक में क्या सही? क्विक में ये कि बहुत तो मतलब यू नो जो बहुत सारे लोग मसाले वगैरह डालते हैं यू नो, वैसा मैं कुछ नहीं डालती हूँ, आप क्या स्पाइसी नहीं, करती हैं, क्विक फूड कौन मतलब सा दो बनाती हैं तीन आप चीजें डाल लाइक? के कुछ भी बना लेती हूँ झटपट, टू थ्री मिनट ओके, में इस तरह। ऑसम ऑसम। नाइस, सेल दैट्स आप क्या गुड। बनाते हैं, व्हाट्स योर स्पेशलिटी?
मुझे लगता है मैं भी कुछ नीमा के आसपास ही हूँ, हर दफा कोई नई चीज बना रहता हूँ, और मतलब जो सामने चीजें होती हैं उनको हम लोग कोई करता हूँ। नई चीज मैं इन्वेंट करते हैं यार खाना सारे। बनाते हुए ना, खाना बनाते हुए मैं गायबर बन जाता हूँ, और जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं उसी से कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता या हूँ, एग्जैक्टली आई मेरे मेक साथ श्योर कि भी वो यही एडिबल हो जाए, है हाँ ना। एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही होता है। तो ट्रू। ओके ओके, तो आई थिंक अब गेम का टाइम है, अब हम करते हैं निमा से गेम। ओ गेम निमा ओके आपसे गेम ओके होगा। इजी या क्वेश्चन होने निमा लेट चाहिए। द एक्सप्लेन यू व्हाट द गेम इज। लेट द गेम बिगन। तो अच्छा या अच्छा सो हम आपसे एक क्वेश्चन एक वर्ड बोलेंगे, तो ओके उस वर्ड से आपके माइंड में जो भी सबसे पहला वर्ड आएगा ना, सोचे समझे बगैर यू हैव टू स्पीक, अच्छा ठीक ठीक है? है ओके और ओके सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ी फास्ट होगी ये। रेडी? ओके ठीक नो प्रॉब्लम श्योर। ओके सो स्टार्ट। सेल स्टार्ट। आप नहीं करेंगे? वेदर। सॉरी व्हाट क्या कहा? वेदर वेदर नाइस रेन रेन। आई लाइक टू हैव अ टी यू नो इट्स रेन। ओके कोकोरस ओके मरियम ओके सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सलमान खान। सलमान खान। ओ आई यूज टू लाइक हिम नॉट एनी मोर। यूज टू क्या या किया नॉट उसने, एनी मोर। ऐसा क्या किया बेचारे ने, एक्सपायरी नो आई फील लाइक ही इज गेट सो बोर नाउ यू नो। डेट आ गई उसकी। हाँ हाँ उसकी एक्सपायरी बहुत सारा है। चॉइस ऑफ मूवीज आर इज हाँ इट्स रियली वेरी बैड यार। बैड। ओह ठीक या है अच्छा केक केक यमी यमी। ओके योर नेक्स्ट मेकअप। ओह मेकअप आई लव इट मेकअप लव ऑफ माय लाइफ। ओके नीमा हस्बैंड ओह लव ऑफ माय लाइफ माय हस्बैंड ऑफ कोर्स। मेकअप बोल दो, मेकअप और मेकअप हस्बैंड एंड दोनों नो मेकअप एंड हस्बैंड बोथ। अच्छा अभी अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू सिलेक्ट एनीवन इन मेकअप एंड हस्बैंड व्हाट विल यू सिलेक्ट? माय हस्बैंड ओह बस ऑफ कोर्स बस लेकिन ठीक हस्बैंड के दिल, हस्बैंड का क्या होगा जब वो मेकअप नहीं हुआ करेगा तो वो कहेंगे नीमा की तरह है। वो कहते हैं नीमा मेरी तुम्हें नीमा मेकअप किसने गई, नहीं वो मेरी कहते नीमा नीमा लग तो तुम्हें मैंने मेकअप की जरूरत नहीं। नहीं वो कहते नीमा तुम्हें मेकअप की जरूरत नहीं है। नहीं वो मेकअप वो खुद ही ला देंगे, आप कहिए मैं आपको चूज करती हूँ, मेकअप वो बेचारे खुद ही ले आएंगे कि भाई नहीं मेकअप के बगैर नहीं। लेकर नहीं आएंगे, वो बोलेंगे आपको क्या चाहिए ऑनलाइन जो और भी कंप्यूटर पे होते हैं ऑनलाइन। ऐसे पता है अरे एक जोक याद आया मुझे इस पे कि मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। वो कहती कि एक मदर थी मेकअप करती हाँ थी, तो अच्छा रात को सोने से पहले जब वो आई ना अपने बच्चों के सामने फेस वॉश हाँ करके हाँ आई, तो बच्चे गोद में एक बच्चा बैठा था उतरा या और कहता आंटी आपको पता है मेरी मामा किधर सो फनी मरियम ओ माय है। आई गॉडनेस नो कितना ज्यादा हम लेडीज को बदनाम कर दिए मेकअप में दैट्स ट्रू। कि एक्चुअली मुझे जब कहते ना कोई कि आपको मेकअप मैं नहीं वैसे सुने मेरी बात, आप लोग अगर अगर अभी आप लोग वेट करें अपना और फिर उसके बाद मेकअप उतार के अपना वेट करें, लेकिन उसमें फर्क होगा कम से कम दो लेकिन मैं बार साथ फर्क होगा कम से कम एटलीस्ट। लेकिन मरियम आप ये नहीं समझती कि हमारा कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी को चलाने के लिए, क्योंकि हम मेकअप बाय करते हैं एग्जैक्टली कपड़े बाय नीमा करते हैं एग्जैक्टली ऑफकोर्स। बिल्कुल कितना बिजनेस दे रहे हैं आप। तो हाँ बिल्कुल 75% हमारा जो है ना क्रेडिट जाता है आपको पता है सही बात है साल एक्चुअली में। आई एम राइट राइट साल क्या ख्याल है आपका? ऑब्वियसली तो नीमा तो बॉयज भी इतना मेकअप कर रहे हैं, सब कुछ ऑफ कर रहे हैं जो गर्ल्स कोर्स करती हैं हाँ राइट। करना चाहिए यार तो क्यों नहीं, बस बोल रखा बड़ा है नहीं इनोसेंट बहुत कम जाते हैं। ओ मेकअप हमें तो पता भी नहीं मेकअप क्या होता ऐसे ऐसे आदमियों में बड़ा पेशेंस होता है जो मेकअप करते हैं और ये करते हैं, नॉर्मली आदमी तो सिर्फ गीला कपड़ा मुंह पे मारते हैं और निकल देते हैं घर। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत तो अपने आप को कैरी करना चाहिए यू नो, हाँ या विमेन्स हो या मैन हो डजंट मैटर। मुझे लगता है आईब्रोज बनाना बहुत ही वियर्ड लगता है आदमियों के लिए, क्योंकि बट यू नो वो अगर नेचुरल नहीं लगती है, वो नेचुरल नहीं लगता है। हाँ लेकिन अगर उनको पसंद है तो आप यू नो हम पसंद तो किसी के भी हम या कुछ नहीं कर सकते, वो हर एक की चॉइस है थोड़ा एब्सोल्युटली वी शुड रिस्पेक्ट दैट, लेकिन प्रेजेंटेबल लगते हैं बहुत सारे लोग बेस लगाते हैं आदमी नॉर्मली बहुत रेगुलर हाँ बेसिस पे, तो फाउंडेशन और सब वो बिल्कुल ठीक है अगर वो आप बेस लगा रहे हो तो वो नजर अननेचुरल नहीं लगता है। ज्यादा सही आईब्राउज है जो वो मानिया बनी होती है ना वो अलग से नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आई हाँ थिंक आज बड़ा मजा आया बात आज मुझे बहुत अच्छा लगा आप मुझे बात करके। करके या लॉन्ग टाइम टू कैच थैंक यू अप। सो मच नीमा फॉर ज्वाइनिंग अस, नो और प्रॉब्लम दोबारा भी नीमा आइएगा
फील एट होम जरूर आइए, और हमारे तमाम ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं व्यूअर्स, प्लीज इसी तरह हमसे कनेक्टेड रहिए, अपने मशवरे हमें दीजिए, अगर कोई क्वेश्चंस हो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, और उसके साथ साथ प्लीज इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एंटरटेन कर सकें ऑन अ डेली बेसिस या एवरी सेकेंड डे, ताकि ये जो टाइम है जिसमें आप घर में बैठे हुए हैं और कोई खास करने को नहीं है, तो हाँ, एक तरह से हम दो या तीन नए फ्रेंड्स आपकी जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं। मरियम, नीमा और मैं आपको इस तरह ही कुछ करेंगे कि आपको दिल बहला सकें थोड़ा सा, जो हमारा वीक से हम बैठे हुए घरों में, तो थोड़ा सा वो उसका दुख कम हो जाए, उसमें जो थोड़ी सी है तो शेयर आप हो सके कर सकें। कोई आपके एडवाइस हो कुछ भी हो तो जरूर शेयर करें। एनीथिंग यू गाइस वांट टू से एट दिस पॉइंट? आई जस्ट वांट टू से जस्ट स्टे सेफ और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और एंजॉय करें एंड स्टे सो सेफ और घर में रहें, प्लीज स्टे होम, घर पे रहें या ओके जी। Okay, see you around. Thank you. Bye-bye. Yeah. Bye, everyone. Bye, everyone. Allah Hafiz. Allah.